इन दिनों जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहों पर कई दिनों से एमपी के किसान व्यापारी लाल प्याज की देसी और नासिक पौध का व्यापार कर रहे हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्र के किसान बढ़ चढ़कर खरीद रहे हैं। इस देसी प्याज की पौध की खास बात यह है कि 1 किलो प्याज की पौध में लगभग 50 किलो तक लाल प्याज की पैदावार होती है। जी बताइए इस पौध के बारे में। ये पौध एमपी से लाने वाले मजदूर आदमी हैं अपने, और अपन के राजस्थान में बेचने करौली में आते हैं। और इस पौध की एक खासियत है, अपन के करौली डिस्ट्रिक्ट में ऐसी पौध नहीं है, काली मिट्टी में इसको बोया जाता है। और इस पौध से जो प्याज निकलता है अपन की भूड़ा मिट्टी में, जो करीब 700-800 ग्राम के करीब बैठता है, बड़ा वाला प्याज, इसको हम स्वादिष्ट एवं तड़का के लिए यूज में लेते हैं होटलों में, और अपन रोटी खाने में भी इसका अच्छा यूज लिया जाता है। हमारे यहाँ जो पौध है उसमें इतनी गुणवत्ता नहीं रहती है, जो काली मिट्टी से पौध आती है लाल प्याज वाली। मतलब एमपी की पौध ज़्यादा पैदावार करती है? ज़्यादा पैदावार। कितनी पैदावार करती है ये? ये करीब एक क्यारी में बोते हैं इसको, तो एक बीघा में 300 मन के करीब बैठता है। और 2-3 बार हमने इसको यूज लिया है, तो हमने देखा है काफ़ी अच्छा प्याज बैठता है और इसकी भरमार है, तभी तो ये लोग आते हैं, हम इसी को बोते हैं ज़्यादा 3-4 साल। मैं भी एक किसान ही हूँ, यहाँ की पौध लास्ट में जाकर सुखड़ जाती है, कीड़े लग जाते हैं, और जो प्याज है उसमें सड़न महसूस होती है गोदाम में रखते हैं, तो बाद में जाकर प्याज में वो खटास नहीं रह पाती। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है पवन जी कि ये पौध जो है एमपी की, ये बेहतर रहती है? बेहतर, बहुत अपने राजस्थान से बढ़िया। राजस्थान से बढ़िया, बहुत अच्छी रहती है किसान के बारे में, मतलब अच्छा प्याज रहता है, किसान को खाने में भी अच्छा लगता है। आप हर वर्ष खरीदते हो इसको? इसकी खासियत है भाई साहब, इसका बीज आता है, वो बीज उपज के 1.5 महीने में पौध तैयार हो जाती है, फिर पौधों काढ़ के दोबारा लगानी पड़ती है, तो वो पौध 2-3 महीने में बनकर प्याज बन जाती है, फिर वो उसे खोद कर घर में रख लेती है। कहाँ से आए हो आप? एमपी से। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ पर? हम यहाँ आ रहे हैं 3-4 साल। कितने व्यापारी आते हो? हम आते हैं 10-12 व्यापारी। मतलब आपकी जो ये पौध है ये बीज को भी मात देती है क्या? हाँ, बीज से ज़्यादा पैदावार होती है। बीज से ज़्यादा पैदावार होती है। कौन कौन सी पौधे हैं आपके पास? हमारे पास देसी है, नासिक है। मतलब कौन कौन से मतलब सब्जियों की पौधे? प्याज की है, बैंगन की है, मिर्ची की है, टमाटर की है, गोभी की है, सबकी पौधे। कितनी पौध बिक जाती है डेली? हमारी पौध बिक जाती है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल पौध बिक जाती है। जी भोगीराम जी, बताइए इस पौध के बारे में। हाँ जी, क्या खासियत है इस पौध में? इसमें बीज डाले हम, पौध तैयार करें, 1 महीना पौध तैयार हो गए, फिर इसे उखाड़ के लाएं, उखाड़ के पौध इधर में लाए में बेच, तो 2 महीना में पौध प्याज बैठे, और प्याज बैठ गया, किसान काम को ले, सब्जी बनाए, मसाले में तैयार करे, हम लाएं मिर्ची की पौध लाएं, टमाटर की लाएं, बंद गोभी लाएं और फूल गोभी लाएं। सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी पौध की रहती है आपकी? अपनी रहती है प्याज की। कौन से प्याज की रहती है? लाल वाली नासिक की। लाल वाला नासिक प्याज। क्या इस पौध में खासियत क्या है आपके प्याज की पौध में? प्याज की पौध की 1 किलो में 50 किलो 60 किलो बनती है, इसे जनता लेती है। हर साल आते हो आप एमपी से? हर साल आते हो। इसको तैयार कहाँ करते हो आप? हाँ, एमपी में।